नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार के अपडेट्स समय समय पर मिलती रहती हैं। आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें और आप चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की कोई भी अपडेट मिस ना हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। भाई, आज की वीडियो होने वाली है बड़े ही खास टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में बहुत बार रिक्वेस्ट भी आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आज इस पूरे पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। दरअसल स्पोर्ट्स इंजरी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो सारे बातों को वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी कि स्पोर्ट्स इंजरी दरअसल होती क्या है, ताकि हम आगे बढ़ें उससे पहले इंट्रोडक्शन हो। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी बॉडी को डैमेज करे, या ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो कम्पिटिटिव हो चाहे नॉन कम्पिटिटिव हो, फिजिकली हो वो एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी डैमेज हो, तो वो आपकी कहलाएगी इंजरी। या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, तो वो स्पोर्ट्स इंजरी कहलाएगी, और ये हर गेम का एक पार्ट है स्पोर्ट्स इंजरी। अब दूसरे नंबर पर आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरीज का वर्गीकरण कैसे करेंगे आप, तो हम स्पोर्ट्स इंजरीज का वर्गीकरण कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। जैसे पहला हो गया ड्यूरेशन, समय के हिसाब से। दूसरा आपका हो जाएगा टिश्यू, मतलब किस टिश्यू को लग सकती है कौन सी चोट। तीसरा सीवियरिटी हो जाएगा, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। ड्यूरेशन में आएगा कितनी देर पहले, कितने घंटों पहले आपको चोट लगी, ठीक है, समय के अनुसार, भाई कितनी मिनट पहले लगी, कितने घंटे पहले लगी, कब लगी, ये आ जाएगा। टिश्यू में आपके बॉडी के किस प्रकार के टिश्यू को वो इंजर्ड कर रही है, स्किन को कर रही है, मसल को कर रही है, टेंडन को कर रही है, या सॉफ्ट टिश्यू को कर रही है, हार्ड टिश्यू को कर रही है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सीवियरिटी मतलब चोट की गंभीरता कैसी है, इसमें आ जाएगा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, मतलब आपको दर्द कैसा हो रहा है, या इंजरी कितनी खतरनाक है, भाई छोटी मोटी चोट है, मीडियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन करोगे, तो हम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला हो गया एक्यूट इंजरी, दूसरा आपका हो गया क्रोनिक इंजरी, और तीसरा जो लास्ट है वो है ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज और क्रोनिक लगभग सेम जैसा है, इस पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आगे हम डिस्कशन भी करेंगे। ओवर यूज मतलब हद से ज़्यादा यूज हो जाए, क्रोनिक है मतलब वो लंबे समय वाली होगी, तो सेम एज इट इज़, लगभग दोनों ही चीज़ें सेम है, कई बुक्स में आपको अलग अलग दी मिलेगी। एक्यूट है वो मतलब अचानक से जो चोट लगती है उसके अंदर वो चोटें आती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एक्यूट इंजरीज का, कि एक्यूट जो इंजरीज होती हैं वो किस प्रकार की इंजरी जो है होती हैं। तो धीरे धीरे वन बाय वन हम चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, भाई आपका एक एक लाइक हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है। सबसे पहले एक्यूट, एक्यूट का मतलब है सडनली, अचानक एकदम से आपका कोई बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो जाए, या विदाउट वार्मिंग अप आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका एकदम से बॉडी के अंदर कोई खिंचाव आ जाए, जैसे स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, या फ्रैक्चर हो जाए अचानक से, ठीक है, ये एक्यूट इंजरी हो गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमने टाइप डिस्कशन किया क्रोनिक इंजरी का, तो क्रोनिक इंजरी दरअसल होती है लंबे समय के लिए जो चोट लगती है आपको, 24-48 घंटे के बाद आप लगातार बॉडी का कोई पार्ट यूज़ करें उसके बाद आप इंजर्ड हो जाते हो, कंटिन्यूस ओवर यूज़, आप कोई चीज़ लगातार हद से ज़्यादा कोई चीज़ यूज कर रहे हो, जैसे इसका उदाहरण हो सकता है सिन पेन, हमारे जो टीबिया जो बोन होती है घुटने से नीचे, उसमें लगातार आप दौड़ते रहते हो ना अलग अलग सरफेसिस के ऊपर, तो सिन पेन शुरू हो जाता है, इसको ओवर यूज इंजरी भी आप कह सकते हो। दोनों ही सिमिलियर हैं, अलग अलग बुक में अलग भी दी हुई मिल सकती हैं, लेकिन बिल्कुल ही सिमिलियर होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम जो है क्लासिफिकेशन जो करेंगे इंजरीज का, वो टिश्यू बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसके ऊपर जो है हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, कि टिश्यू बेस्ड पे आप कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। देखो, टिश्यू बेस्ड पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में वो आएंगी जो इंजरी जो सॉफ्ट टिश्यू को इंजर्ड करें, जैसे स्किन होगी, मसल्स होगी, टेंडन होगी, कार्टिलेज हो गया, ये हार्ड टिश्यू। हार्ड टिश्यू जो हमारी बॉडी के हार्ड टिश्यू हैं, जैसे बोन, बोन एक हार्ड टिश्यू, कठोर ऊतक है, तो उसको जो चोटें इंजर्ड करें वो होगी हार्ड टिश्यू की चोटें, ठीक है। तो ये टिश्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गया। इसका थोड़ा और हम गहराई में जाएंगे तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को कौन कौन सी जो है इंजरी हो सकती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 इंजरी को मैं डिस्कशन करूँगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला स्प्रेन, दूसरा स्ट्रेन, तीसरा है वाउंड, घाव। स्प्रेन
क्या होता है, स्प्रेन होता है लीगामेंट, लीगामेंट इंजर्ड हो जाना। ये जैसे लीगामेंट होता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए, बोन टू बोन जो हड्डी को हड्डी से जोड़े वो स्प्रेन होता है। तो स्प्रेन कहाँ की चोट, आपको ये याद रखना, लीगामेंट की चोट है। अब लीगामेंट से ज़्यादा भी टूट सकता है, कम भी टूट सकता है, वो सीवियरिटी वाला टॉपिक है। फिर दूसरा स्ट्रेन, ये है टेंडन की चोट। टेंडन क्या होता है, जो मसल को हड्डी से जोड़े, तो ये चोट किसकी होगी, टेंडन की। टेंडन जो है एक मसल्स का एक पार्ट होता है, हड्डी से जोड़ता, तो मसल की चोट भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद आता है वाउंड घाव। ज़्यादातर जो होते हैं घाव कहीं पे भी हो सकते हैं, ज़्यादातर स्किन में होते हैं भाई, अदर सॉफ्ट टिश्यू में भी हो सकते हैं, आपके मसल्स के ऊपर भी हो सकता है, या नर्वों के ऊपर भी हो सकता है, या कोई जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नलिकाएं होती शरीर में उनको भी हो सकता है। और वाउंड और ये स्प्रेन और स्ट्रेन है, इनको आप डिवाइड कर सकते हो माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। वाउंड जो आते हैं ये माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आते हैं, और मेजर ये स्प्रेन और स्ट्रेन ये मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आते हैं, ऐसे भी इनका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ वाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वाउंड्स को आप डिवाइड कर सकते हो, पहला इंसीजन है, दूसरा लैक्रेशन है, तीसरा अवर्जन है, फोर्थ भी होता है वो आगे आएगा। तो इंसीजन क्या होता है, नुकीले उपकरण से कट लग जाना। इनके पिक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगा, एक इंट्रोडक्शन देख लो, नुकीले उपकरण से आपकी स्किन के ऊपर हल्का फुल्का कट लग जाए। दूसरा है लैक्रेशन, चमड़ी एकदम से फट जाए या गहरा कट लगना। ऊपर वाले में हल्का कट था, नीचे वाले में गहरा कट लग रहा है, इस डिफरेंस को समझे। अवर्जन क्या होता है, अवर्जन दरअसल होता है चमड़ी पर रगड़ लगना या चमड़ी के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाना, मतलब चमड़ी की ऊपरी सतह और नीचे वाली चमड़ी की सतह में गैप आ जाना और वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाए। जैसे कई बार हम घर्षण हो जाता है हमारा, धरती फिसल जाते हैं तो खाल नहीं उतर जाती हमारी, तो वो हो गया अवर्जन। तीसरा जो वाउंड होता है पंचर, छेद हो जाना हमारी बॉडी में, कहीं पे कांटा चुभ गया, सुई लग गई, तो उससे जो छेद हो जाता है वो वाला घाव कहलाता है पंचर्ड वाउंड। तो इनको हम चित्रों के हिसाब से भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंसीजन वाउंड, तो इंसीजन वाउंड को आप समझ सकते हो हल्का सा चीरा लग जाना, चाकू वगैरह से कई बार सब्जी काटते हुए लगता भी आपको, हमें भी लगता है, तो वो हो गया इंसीजन वाउंड। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है लैक्रेशन, थोड़ा गहरा खाल जो है फट जाए, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो फट एकदम से फट गई, ठीक है, थोड़ा सा डीप जाएगा ये, डीप लैक्रेशन वाउंड हो जाएगा, स्किन फैट मसल्स तक भी जा सकता है ये, तो ये थोड़ा गहरा होता है, एकदम से खाल जो है फट जाती है, ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है। तीसरा है अवर्जन वाउंड, अवर्जन में दरअसल क्या होगा, एक रगड़ लग जाती है घर्षण के कारण, इसको आप टर्फ बर्न भी बोल सकते हो, मैट बर्न भी बोल सकते हो, फ्लोर और शिंडर बर्न भी इनके उपनाम है भाई। इसके अलावा अवर्जन का एक और नाम है, वो भी आपको याद रखना है, स्ट्रॉबेरी इसका निकनेम है, एक एग्जाम ओरिएंटेड बात है, आ सकती है, ठीक है। इसके बाद है पंचर्ड वाउंड, पंचर्ड वाउंड क्या होता है, किसी प्रकार का मतलब छेद हो जाए, फोटो में देख सकते हो इजीली आपको नजर, भाई कांटा चुभ गया, एक छेद हो गया, तो ये पंचर हो जाना, मतलब गाड़ी की ट्यूब वगैरह पंचर होते हैं, तो इसको आप पंचर्ड वाउंड भी जो है बोल सकते हो। इसके बाद कुछ एक और हैं, जैसे घाव के चार प्रकार हैं, लेकिन दो चोटें और आती हैं कई बार चमड़ी से रिलेटेड, एक है ब्लिस्टर, छाले हो जाना, छाले आपने देखे होंगे चित्र में नज़र, कई बार हमारे हाथ पैरों में छाले हो जाते हैं, कोई जीव लड़ जाता है तो भी छाले हो जाते हैं, नीचे पानी सा भर जाता है, या कई बार ब्लड भी भर सकता है। फिर दूसरा है कलौज, कलौज में क्या होता है, इसमें दरअसल हमारी चमड़ी, जैसे कसिया काम वगैरह करते हैं तो हमारे हाथों में आटन हो जाते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में बताऊँ तो वो खाल जो है टाइट हो जाती है, खड़े उसको ब्लेड से भी काट सकते हो आप, जैसे बैडमिंटन के जो प्लेयर होते हैं उनके हाथों में भी हो जाते हैं, ये कलौज बोला जाता है, इनको चमड़ी मोटी और सख्त हो जाती है, जैसे कसिया काम करते हैं तो हमारे हाथों की हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बोन इंजरी की, बोन में बेसिकली फ्रैक्चर होते हैं, और फ्रैक्चर कई प्रकार के जो है हो सकते हैं, मतलब बोन में जो इंजरी होती है हड्डी के टूटने से संबंधित होती है, तो फ्रैक्चर के अलग अलग टाइप होते हैं, नंबर वन सिंपल फ्रैक्चर, फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, छः नंबर हो सकता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, फिर है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, एट्थ हो सकता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, नाइन्थ हो सकता है एलिवेशन फ्रैक्चर, दस हो सकता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्यारहवा हो सकता है मार्च फ्रैक्चर, ठीक है। ये 11 प्रकार के फ्रैक्चर जो मैक्सिमम मेरे को अलग अलग बुक्स में मिले वो मैंने बता दिया, अब इनको अलग अलग समझते हैं। सिंपल फ्रैक्चर, किसी प्रकार का घाव नहीं होता इस फ्रैक्चर में, और ना ही स्किन को कोई नुकसान होता, मतलब हल्की फुल्की हड्डी क्रैक हो जाए भाई, ठीक है, जो ज़्यादा नुकसान ना करे, ना ही घाव हो ना ही स्किन फटे, ये होता है सिंपल फ्रैक्चर, या इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर भी आप बोल सकते हो, जो क्लोज रहता है, जो हड्डी टूट के बाहर नहीं आती है, ये क्लोज। इसके बाद है कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर,
इसको आप ऐसे देखो, हड्डी टूटने के बाद स्किन या स्किन से बाहर आ जाती है भाई, फैट मास से निकल के बोन टूट कर, ये टूट कर नहीं भी टूट कर स्किन से बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है और घाव भी कर देती है। इसको आप कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोल सकते हो, ओपन फ्रैक्चर भी जो है बोल सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आ सकती है भाई, याद रखें। इसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर दरअसल होता क्या है, इसमें बोन टूटने के बाद जो है बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना उसके अंदर घुस जाती है, जैसे रिब्स टूट गई भाई, रिब्स आपके लंग्स में घुस जाए, हार्ट में घुस जाए, ठीक है, टिश्यू में घुस जाए, तो ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऐसे कोरिलेट करना सीखो इन चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट हो जाए कोई चीज़, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होगा, एक हड्डी जो है दो से अधिक पीस में टूट जाए भाई, एक हड्डी के टूटने के बाद एक दो से अधिक टुकड़े हो जाएं, एक तो दो टुकड़ों में टूटे भाई, तीन से चार दस टुकड़े हो जाएं छोटे छोटे, वो कम्युनेटेड फ्रैक्चर होगा। फिर है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड मतलब हड्डी दो हिस्सों में टूट गई और वो दोनों हिस्से एक दूसरे के अंदर घुस गए, बोन्स टूटने के बाद बोन के दोनों हिस्से जो है एक दूसरे में घुस जाए, तो ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होगा, एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं अंदर घुस गए, तो ये क्या हुआ इंपैक्टेड फ्रैक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, इंपैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है। इसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में भाई जो हड्डियां होती है वो तिरछी हो जाती है, उनमें बैंड आ जाता है, टूटती नहीं है, क्योंकि ये अक्सर छोटे बच्चों में होता है, हड्डियों का पूर्ण डेवलपमेंट ना होने की वजह से जैसे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए एकदम से उनके ऊपर, फोर्स पड़ जाए तो उनके अंदर एक बैंड हो जाता है, बैंड आ जाता है, तो वो कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये होता है, एल्डर के अंदर नहीं होता, क्योंकि बच्चों की बोन पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। फिर है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हमारी स्कल की कोई हड्डी का टुकड़ा जो है टूट के वो अंदर की तरफ घुस जाता है, जैसे चित्र में देख सकते हो, तो ये होगी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या हुआ, हमारी जो स्कल है उसका कोई सा टूट के अंदर की तरफ घुस जाए, वो हो गया डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इसके बाद नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है वो है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है कोई वीक हो चुकी हड्डी या बीमारी ग्रस्त हड्डी है, किसी को रिकेटस हो गया, वो बीमारी ग्रस्त हड्डी टूट जाए, वो होगी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। वेरी इजी, नाम से आपको याद हो सकता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या हुआ भाई, हड्डी टूट जाए, बीमार है पहले से ही, बीमार हड्डी टूट जाए तो क्या होगा, वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसके बाद है एवल्यूएशन फ्रैक्चर। एवल्यूएशन का मतलब है भाई कोई हड्डी जो है बोन जो है टेंडन से अलग हो जाए, टेंडन क्या काम करता है, बोन को मसल से जोड़ता है, तो कोई हड्डी टेंडन से अलग हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एवल्यूएशन फ्रैक्चर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड जो है ये बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्चर है वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर बार बार हद से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने से एक टीनी क्रैक आ जाता, मतलब बिल्कुल ही हल्का सा बाल बराबर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब हल्का प्रेशर डालने से बाल बराबर क्रैक आ जाना, टीनी क्रैक इन बोन, ठीक है, बहुत नन्ना सा छोटा सा, वो क्या कहलाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसके बाद है मार्च फ्रैक्चर। मार्च फ्रैक्चर होता क्या, इसको समझने के लिए एक बात समझ लो भाई, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, उस समय मार्च का महीना चल रहा था और सैनिकों की जो पैर की जो बोन होती हैं मेटाटार्सल, वहाँ पे बाल बराबर फ्रैक्चर हो गए थे नन्हे छोटे छोटे, तो इसलिए इसको मार्च फ्रैक्चर बोला जाता है भाई, मेटाटार्सल में इस प्रकार से हल्का सा क्रैक आ जाए बाल बराबर, तो उसको बोला जाता है मार्च फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये आपके हो गए फ्रैक्चर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फ्रैक्चर इतने ही प्रकार के होते हैं। इसके बाद कुछ एक और इंजरी होती हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट इंजरी जो एग्जाम रिलेटेड है, जैसे मसल पुल हो गई, ग्रोइन पुल हो गया, टेंडनटीज हो गया, साइनोविटीज हो गया, टेंसो साइनोविटीज हो गया, इसके बाद बुरशिट हो गया, हेमोटेमा हो गया, आठवां आपका स्टिच हो गया, नाइन्थ आपका चार्ली हॉर्स हो गया, दसवां टेनिस एल्बो हो गया, ग्यारहवां प्लांटर फैसिलिटीज हो गया, बारहवां एचिल टेंडन टीज हो गया और तेरहवां सिन पेन हो गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, हमें इनका भी जो है पता होना चाहिए, दरअसल ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये मसल पुल दरअसल होता क्या है। मसल पुल वन बाय वन हम इनको समझेंगे विद पिक्चर, समझने की कोशिश करेंगे, एक बार आप इन नाम्स को समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले मसल्स पुल को समझिए, वेरी इजी, मसल्स के अंदर हद से ज़्यादा एकदम से स्ट्रेच आ जाए, एकदम से फोर्सफुली मसल को आप स्ट्रेच कर दो, तो मसल्स के अंदर जो स्ट्रेच हो गया एकदम विदाउट वार्मिंग अप, वो कहलाएगा मसल पुल, मसल का खिंचाव, ठीक है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है, बलपूर्वक आपने मांसपेशी को खींच दिया तो मसल पुल वो
कहलाता है, फोर्सफुली आपने उसको स्ट्रेच कर दिया तो हद से ज़्यादा। इसके बाद ग्रोइन पुल, ग्रोइन पुल क्या होता है भाई, हमारी जो जांग की मांसपेशियाँ होती ना उसके अंदर खिंचा हुआ जाना, जांग के अंदर की जो मसल्स होते हैं उनके अंदर खिंचा हुआ जाना, जो आपकी लॉन्गस अडक्टर मसल है उसके अंदर खिंचा हुआ जाए, और भी जो हमारी जांग की मसल्स होती हैं उनके अंदर खिंचा हुआ जाए, तो उसको बोलेंगे ग्रोइन पुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपका हो सकता है। इसके बाद है टेंडन आइटीज, टेंडनाइटीज ये क्या होता है भाई, टेंडन के जो फिलामेंट होते हैं तंतु कह सकते हो, उसमें सूजन या जलन हो जाए। टेंडन क्या होता है, जो बोन को मसल से जोड़ता है, तो टेंडन के जो फिलामेंट होते हैं उनके अंदर लगातार सूजन रहे, टेंडनाइटीज वो कहलाता है भाई, ठीक है, और जलन होने लगे, फोटो में आप देख भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है साइनोविटीज, साइनोविटीज समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए साइनोवियल द्रव क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है, जॉइंट का साइनोवियल एरिया में जो है स्वेलिंग आ जाना, उसके अंदर जलन महसूस होना, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है नी का साइनोवियल जो क्षेत्र, उसके अंदर भाई स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई और वहाँ पे जो है जलन हो रही है, तो ये साइनोविटीज कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है टेंसोसाइनोविटीज, टेंसोसाइनोविटीज दोनों को कंबाइन कर दो भाई, आपका टेंडन और साइनोवियल क्षेत्र दोनों में एक साथ सूजन आ जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, टेंसोसाइनोविटीज, ठीक है, इनको कंबाइन आप कर सकते हो, ठीक है, नाम से ही पता चल गया किन चीज़ों को आपस में मिलाना है। इसके बाद है कॉन्ट्यूजन, हिंदी में आप इसको गुंबड़ भी बोल सकते हो, गुंबड़ किसी बाहरी चीज़ से घर्षण हो जाए और नीचे जो है हमारी स्किन की जो दो परतें वो अलग हो जाए, बीच में द्रव भर जाए, ठीक है, फिर उसमें सूजन हो जाए, जलन या दर्द रहने लगे, या किसी चीज़ से टकराने के बाद एक गुंबड़ सा बन जाता है कई बार, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो नीला पड़ जाता बाद में, ठीक है, चोट लगने के बाद वो कॉन्ट्यूजन कहलाएगा गुंबड़। इसके बाद है बुरशिट, बुरशीट क्या होती है, बुरशाइटिस भी बोल सकते हो इसको भाई, जो बुरशा जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जलन होना, हमारे जॉइंट्स के पास जो बुरशा क्षेत्र होता है उसके अंदर जलन होना, ठीक है, सूजन रहना, तो ये भी आपकी एक बुरशाइटिस एक चोट होती है। इसके बाद है हेमाटोमा, हेमाटोमा क्या होता है, जो हमारे कोमल अंग होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनके अंदर पानी या ब्लड इकट्ठा हो जाए, कोई द्रव पदार्थ इकट्ठा हो जाए, तो वो हेमाटोमा कहलाता है भाई, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टिच, स्टिच दरअसल होता क्या है, कई बार आप जब भागते तो पेट के नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, दर्द होने लगता है भागते टाइम अचानक से, ठीक है, डायफ्राम या उससे नीचे की जो पेट की मसल्स हैं वहाँ पे खिंचाव आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टिच कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, स्टिच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ली हॉर्स, चार्ली हॉर्स क्या होता है, दरअसल जो हमारी पैर की मसल्स हैं उनके अंदर जो है किसी भी प्रकार का अचानक से क्रैम्प आ जाना, ठीक है, सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन और मोर मसल्स ऑफन इन द लेग्स, प्राय लेग्स में, ज़्यादातर लेग्स में होता है, हालांकि कहीं पे भी हो सकता है, अचानक से इनवॉलंटरी, जिसको हरियाणवी लैंग्वेज में बाइटा बोलते हैं भाई, तो ये चार्ली हॉर्स कहलाता है, एकदम से मसल्स में खिंचाव हो गया लेकिन आप कर नहीं रहे थे, ये चार्ली हॉर्स कहलाता है। इसके बाद है मसल सोरनेस भाई, इसका इसका मतलब ये है कि मसल्स के जो फिलामेंट है उसमें स्वेलिंग हो जाए, मतलब पहले से आपके मसल में पेन है लेकिन आप फिर भी मसल्स को यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, मसल्स के फिलामेंट में वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी विदाउट रिकवरी के, आप चोट के बाद भी उसको यूज कर रहे हो, तो ये मसल सोरनेस आपकी कहलाती है। इसके बाद बहुत फेमस इंजरी है टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो दरअसल होती क्या है, ये एक ओवर यूज इंजरी है, बार बार आप हद से ज़्यादा कोहनी के अंदर मूवमेंट करते हो, तो जिससे क्या होता है, हमारी कोहनी में एक पार्ट होता है एपिकोंडाइल, उसके आसपास के मांसपेशी और टेंडन में सूजन और जलन और दर्द रहने लगता है, ठीक है, तो इरिटेशन होने लगती है वहाँ पे, तो वो कहलाती है भाई टेनिस एल्बो, ठीक है। इसके बाद एक और चोट है जो कई बार एग्जाम में आती है प्लांटर फैसिटीज, इसमें क्या होता है, जो हमारे पैर के जो तलवे होते हैं ना भाई, वहाँ पे जो है सूजन दर्द और जलन रहने लगे, तो ये कहलाएगी प्लांटर फैसिलिटीज। इसके बाद दूसरा एचिल्स टेंडनटीज, इसमें क्या होता है भाई, हमारी जो मसल होती है पिंडी की मसल, वहाँ पे एचिल टेंडन होता है, उससे नीचे जो एडी से इसको जोड़ता है कनेक्ट करता है, उसमें दिक्कत रहने लग जाए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत रहने लग जाए तो क्या होगा, एचिल्स टेंडन का जो दर्द होगा वो एचिल्स टेंडनटीज कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिन पेन,
सिन पेन हमारी जो कई बार आप रोड वगैरह पे दौड़ते हो या जूते चेंज कर लेते हो तो नी के नीचे जो टीबिया बोन होती है उसके फ्रंट में दर्द होने लगता है, वो सिन बोन सिन पेन होता है वो, उसको टीबिया को सिन बोन भी बोलते हैं, इसलिए इसको सिन पेन बोल दिया जाता है, ठीक है। एक होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है, जॉइंट्स का अपने ओरिजिन वाले स्थान से हट जाना, जैसे कंधा उतर जाना, किसी की कुल्ली उतर जाना, ये डिसलोकेशन कहलाता है भाई, ठीक है। तो ये इंजरीज का पार्ट था जिसमें मैक्सिमम इंजरीज को हमने कवरअप कर लिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता तो नीचे कमेंट करें, एक वीडियो और बना देंगे स्पेशली कोई कन्फ्यूजन रहता तो। ज़्यादातर बातों को हमने कवर कर लिया एग्जाम ओरिएंटेड। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतनी ही बातें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दूसरे साथियों के साथ भी जो है शेयर आप कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके द्वारा जो है हेल्प मिले। तो ये थी पूरी जानकारी आज के वीडियो में जो हमें आपको प्रोवाइड करवानी थी। लगभग इंजरी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आप बताएं, उसके ऊपर स्पेशली वीडियो ले आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।